अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाजू में जो बेल आइकन है इसे क्लिक करना ना भूलिएगा, नहीं तो लेटेस्ट रेसिपीज के अपडेट्स नहीं मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज पकोड़ा। बड़ा ही डिलिशियस होता है ये। चलिए इसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने 150 ग्राम कैबेज ली है, पत्ता गोभी, और इसे बारीक मैंने काट लिया है। दो इसको गाजर को मैंने इस तरीके से लंबे लंबे इस तरीके से कस लिए हैं, ग्रेट कर लिया है मोटा मोटा। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, वो लाल चिली सॉस था, ये हरा चिली सॉस 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। वैसे आप फूड कलर रिस्सा में भी डाल सकती हो, बट मैं एंड में डालूंगी, अगर ज्यादा कलर नहीं आया तो कलर के लिए डालूंगी। ये है 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ये 7 से 8 कली लहसुन की कुटी हुई। ये मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑल पर्पज फ्लावर, मैदा जिसे हम कहते हैं, 3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बट इससे क्रिस्पी होंगे। 4 टेबलस्पून मैं ये डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर पाउडर, थोड़ी सी हरी प्याज की पत्ती, जितना पूरी एक छोटी हरी प्याज की पत्ती थी मेरी तो मैं वो पूरी डाल रही हूँ। आपकी बहुत बड़ी हो तो आप आधी डालिएगा। मैं ऊपर के जो ये है प्याज वो भी डाल रही हूँ उसके, और ये जो नीचे की जो हरी डंडियां रहती है उसका भी डाल रही हूँ, पर मेरी बहुत छोटी थी जैसे मैंने आपको कहा। अब सारी चीजों को मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए पहले तो, क्योंकि सब चीज मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा कलर भी डाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। मैं ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून जितना ही डाल रही हूँ, और मिक्स कीजिए। अच्छा, आपको अगर रेड चिली सॉस वगैरह है या सोया सॉस है थोड़ा और ज्यादा डालना है, आप टेस्ट कर लीजिए, नमक वगैरह चख लीजिए, स्पाइस वगैरह ज्यादा डालना है तो आप डाल के इसमें मिक्स कर लीजिए। अभी साइड बाय साइड मैंने तेल गरम करने रख दिया था, एकदम बहुत अच्छे से गरम हो चुका है ये, तो मैंने इसकी आंच स्लो टू मीडियम करके रखी है अभी। और पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप डाल के देख लीजिए, अगर वो ऊपर आ जाता है उसी टाइम पे तुरंत, मतलब हमारा तेल तैयार है अभी डालने के लिए। अच्छा, अगर आप अभी नए हो और नया नया पकाना सीखे हो, या आप ज़्यादा नहीं पकाते हो, तो आप चम्मच से डालें, मेरी तरह हाथ से ना डालें, और अगर आप रेगुलर बनाते हो तो आप हाथ से डालिए। मैं थोड़ा सा मीडियम पे रखती हूँ उसे, और मैं ऐसे ऐसे करके इसको डाल रही हूँ। मुझे कोई शेप नहीं चाहिए इसके लिए मैं ऐसा डाल रही हूँ, अगर आपको कोई शेप चाहिए तो आप वो शेप करके डालिए, मुझे शेप नहीं चाहिए इसके लिए, मैं सिर्फ ऐसा उठा के डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बाहर दिखेगा ऐसा तो अच्छा लगेगा। इसे पलटिए भी नहीं तो वो जल जाएंगे पीछे की साइड के, और उसे उसी टाइम पे फटाक से पीछे पलटिएगा मत, थोड़ी सेकेंड्स के बाद जरा पलटिएगा। और अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे तल लेती हूँ, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और पक नहीं जाते तब तक, इन बिटवीन में मैं इसे हिलाती रहती हूँ। चलिए ये हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इसी तरह बना लीजिए और थोड़े थोड़े बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए, और इसे इसी तरीके से नितार कर एक टिश्यू पेपर के ऊपर उसका जो भी एक्सेसिव ऑयल है वो नितारने के लिए रख दीजिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। मैं तो ये लास्ट बैच कर रही हूँ, और ये देखिए इस तरीके से क्रिस्पी होंगे, डिलिशियस और क्रिस्पी। आप इसको कोई भी चटनी, शेजवान चटनी, या फिर हरी और या फिर लाल अक्खी मिर्चों वाली चटनी किसी के भी साथ आप खा सकते हो। आप देख सकते हैं बड़े ही क्रिस्पी और डिलिशियस लग रहे हैं।